हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अंजनाज किचन में। आज हम बनाएंगे बेसन का बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी नाश्ता, जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है और जिसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इस मज़ेदार नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सबसे पहले मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। बेसन का नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिए एक कटोरी बेसन, 4 से 5 चम्मच दही, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग, आधा चम्मच अजवाइन। और अब हम सबसे पहले बेसन का एक घोल तैयार करेंगे। लीजिए, मैंने बेसन को एक बड़े बाउल में डाल दिया है और अब हम उसमें जो हमने दही लिया उसे भी डाल देंगे। और दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब हम इसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च और हींग डाल देंगे और अब हम अजवाइन को अपने हाथ पर अच्छे से क्रश करेंगे और उसे भी इसी बेसन में डालेंगे। हींग डालने से इस नाश्ते में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और जो अजवाइन है उससे हमारी पाचन शक्ति भी अच्छी रहती है। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि जो ये सारे मसाले हैं वो बेसन में अच्छे से मिक्स हो सके, देखिए इस तरह से। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। अगर हम इसमें एक साथ सारा पानी डाल देंगे तो इसमें बहुत ही गुठलियाँ बन जाएंगी जिन्हें निकालने में हमें बहुत ही समय लग जाएगा, इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करके उसे मिक्स करेंगे, देखिए इस तरह से। और हम इसे फिर से मिक्स करेंगे। बेसन का घोल ना तो हमें ज़्यादा पतला तैयार करना है और ना ही ज़्यादा हमें इसे गाढ़ा तैयार करना है। इसे हम इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी हम जितनी नीड होगी उतना ही इसमें डालेंगे। और जो हमने दही का यूज़ किया है वो भी हमने ज़्यादा खट्टी नहीं लेनी है। लीजिए, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। जो ये बेसन का नाश्ता है खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है और बहुत ही जल्दी भी बनकर तैयार हो जाता है। इसे हम बच्चों के टिफ़िन में भी डाल सकते हैं, देखिए। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस बेसन के नाश्ते को आप मॉर्निंग में या इवनिंग में किसी भी टाइम बनाकर खा सकते हैं, देखिए इस तरह से हमें बेसन का इतना पतला घोल बनाकर तैयार करना है, देखिए। और अब हम इसे आधा घंटा ढककर रखेंगे जिससे कि जो ये बेसन है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। लीजिए, मैंने इसे ढक दिया है। तब तक हम बेसन के नाश्ते की फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग के लिए मैंने लिया है पनीर जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, मटर, प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच अमचूर पाउडर। और अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे और गैस को ऑन करेंगे और अब हम पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे। लीजिए, अब तेल गर्म हो चुका है और अब हम उसमें प्याज डाल देंगे और इन्हें अच्छे से भून लेंगे, देखिए। वैसे आप चाहें तो इन चीज़ों को आप उस बेसन के नाश्ते में ऐसे भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसे अच्छे से फ्राई किया है जिससे कि ये बेसन का नाश्ता है वो और भी बढ़िया लगेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। लीजिए, प्याज थोड़े से भुन चुके हैं और अब मैंने उसमें मटर डाल दिए हैं। आप चाहें तो फ्रेश मटर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ फ्रोज़न मटर का यूज़ किया है। और अब हम इन्हें भी अच्छे से पकाएंगे। और अब हम इसमें जो हमने ग्रेट किया हुआ पनीर लिया है उसे भी ऐड कर दिया है और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पका लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बेसन का नाश्ता बनकर तैयार होगा। लीजिए, मैंने इसमें काली मिर्च, चाट मसाला और अमचूर पाउडर को भी ऐड कर दिया है और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें कोई सी सब्जी भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। लीजिए, मैंने इन सबको अच्छे से पका लिया है, देखिए। अब हमारे जो बेसन के नाश्ते की फिलिंग है वो भी बनकर तैयार है, देखिए। लीजिए, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। और अब मैंने गैस पर एक तवा रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है, देखिए। आधे घंटे के बाद जो हमारा बेसन का बैटर है वो भी अच्छे से तैयार हो चुका है, देखिए। और अब हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे, देखिए।
लीजिए अब तवा भी गर्म हो चुका है और अब हम उसमें पहले तेल से उसे अच्छे से ग्रीस करेंगे। लीजिए मैंने तवे को ग्रीस कर लिया है। लीजिए मैंने तवे को अच्छे से ग्रीस कर उस पर बेसन का बैटर डाल दिया है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच बेसन का बैटर डाला है और हम इसे इस तरह से एक ही साइड में घुमाकर अच्छे से फैलाकर इसकी शीट तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से, लीजिए मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है। देखिए हम इसकी साइड को साथ के साथ चेंज नहीं करेंगे, इसे एक साइड से थोड़ा ड्राई होने के बाद ही हम इसे चेंज करेंगे। देखिए अब ये ऊपर से ड्राई हो चुका है। देखिए सारा जो हमने बैटर डाला था वो एक साइड से अच्छे से ड्राई हो चुका है और अब हम इस पर इस तरह से थोड़ा सा तेल लगाएंगे। देखिए और अब हम इसे इस तरह से आराम से उठाकर पलट देंगे। देखिए इसी तरह से हम इसे अच्छे से पलट पलट कर सेकेंगे। देखिए लीजिए एक साइड से ये शीट अच्छे से पक चुकी है और अब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी ये शीट अच्छे से पक चुकी है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। लीजिए मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है और इसी तरह से ही हम सारे बैटर की शीट्स बनाकर तैयार करेंगे। देखिए दोनों साइड से ये अच्छे से पक चुकी है। लीजिए इसी तरह से ही मैंने सारी शीट्स बनाकर तैयार कर ली हैं और इतने बैटर से 5 शीट बनकर तैयार हुई हैं। देखिए ये जो बेसन का नाश्ता है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और मज़ेदार लगता है। देखिए देखिए 5 शीट बनकर तैयार हुई हैं और अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। देखिए हम एक शीट को इस तरह से रखेंगे और उसमें चम्मच से फिलिंग करेंगे। लीजिए मैंने फिलिंग रख दी है और अब हम इसे इस तरह से उठाकर अच्छे से रोल करेंगे। देखिए लीजिए मैंने इसे अच्छे से रोल कर दिया है और इसे एक प्लेट में डाल दिया है और इसी तरह से हम सारी शीट्स में फिलिंग करके उसे रोल करके रखेंगे। देखिए इस तरह से। लीजिए मैं आपको एक रोल को काट कर दिखाती हूँ कि इसमें बहुत ही बढ़िया फिलिंग हुई है जिसे खाने में बहुत ही मज़ा आ जाएगा। देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार बेसन का नाश्ता बनकर तैयार हुआ है और आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।